Hello students, welcome to this channel Defense Academy. In this video we are going to solve a model paper. Actually not I am going to solve that, you are here to solve that. I will just provide the model paper to you, I will read the question, read the options, then you have to solve yourself, and you will be get only right answer, not the solution that will be coming later. तो मॉडल पेपर आपको हिंदी में क्वेश्चन है, मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुना दूंगा. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस के हिसाब से अगर देखे जाए, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे पक्का, मैं बता रहा हूँ आपको. और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताइएगा जिससे मैं आपकी तैयारी समझ सकूँ. और अगर उसके बाद वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत लगती है किन्हीं क्वेश्चन में या किन्हीं का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो अपलोड करूँगा. और आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें जिससे मैक्सिमम व्यूज़ आ सके इसमें, क्योंकि भाई मॉडल पेपर है तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम अवस्था से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण के संवेग का अनुपात है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट. आप वीडियो पॉज कीजिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसको लगाइए, जो सही आंसर आता है उसको नोट करिए, उसके बाद ऑप्शन से मैच कराइए. तो जो उसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन. तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि है एक तरंग का समीकरण y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है. तो तरंग का वेग क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लगा लेंगे. चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ. एक आदर्श गैस में समीकरण पी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अनुसार प्रसार होता है. गैस का आयतन प्रसार गुणांक होगा. If the expansion in a gas is according to the PT square is equal to constant, then what is the volume expansion constant of the gas? So the right answer for this question is 3/T. अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कण पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कोणीय संवेग होगा. यानी कि अगर टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि दिशा में भी समान होगा और मैग्नीट्यूड में भी समान होगा, डायरेक्शन में भी समान, मैग्नीट्यूड में भी समान. 56. दो सरल आवर्त गतियों को समीकरण दिस एंड दिस द्वारा निरूपित किया गया. कण दो के सापेक्ष कण एक के वर्ग में कालांतर होगा. इफ द इक्वेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज गिवन, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द वन. तो आसान क्वेश्चन कह सकते हैं आप उसको, अगर फेज डिफरेंस आपको निकालना है तो आप हमेशा टी बराबर जीरो से शुरू करते हैं. तो दोनों इक्वेशन जब आप टी बराबर जीरो रखेंगे और दोनों जो इक्वेशन है उनको एक ही फॉर्म में लाएंगे, यानी कि अगर पहली साइन में है दूसरी भी साइन होनी चाहिए, उसके बाद अगर आप घटाएंगे उनके जो आएगा एंगल तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ. तो इसका होगा 3/D. अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक उपग्रह का परिक्रमण काल 5 घंटे है. यदि पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच की प्रारंभिक दूरी की 4 गुनी दूरी हो जाए तो नया परिक्रमण काल क्या हो जाएगा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, देन व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इफ द प्रीवियस वन वाज 5 आवर्स. सो द राइट आंसर विल बी 40 आवर्स. 57th क्वेश्चन है, 6×10^24 किलोग्राम मास यानी द्रव्यमान के गोले को इस प्रकार संपीड़ित किया गया कि इस गोले से पलायन वेग 3×10^8 मीटर पर सेकंड हो जाता है. गोले की त्रिज्या क्या होगी. इफ द मास ऑफ स्फीयर इज 6×10^24 kg एंड द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दिस स्फीयर इज 3×10^8 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ध्यान रखिए इसमें इस गोले का पलायन वेग नहीं, इस गोले से पलायन वेग, यानी कि आपको इस गोले को एक प्लैनेट की तरह कंसीडर करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करेंगे. तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 9 मिलीमीटर. 58th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायु में किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 0.60 सेंटीमीटर एवं चाल 300 मीटर पर सेकेंड है तो ये किस कैटेगरी में आएंगी. इफ़ द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन एयर इज 0.60 सेंटीमीटर एंड velocity is 300 meter per second, then in which category it comes. So I think इसका D option आ रहा था, आप लगा के बताइएगा. किसी पात्र में P0 दाब पर पहले गैस रखी हुई है,
अब यदि गैस के अणुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उनकी गति को 2 गुना कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2 टाइम्स पहले वाला, यानी 2p0। 60th क्वेश्चन हमारा, यदि दिए गए परिपथ में व्यय शक्ति इन्वेस्टेड पावर 150 वाट है तब रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 ओम। तो हमारा 61वां क्वेश्चन है, उबलता हुआ जल भाप में परिवर्तित हो रहा है यानी कि स्टीम बनना है, बॉइलिंग वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, देन व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इन दिस स्टेट? तो ये है इन्फिनिटी और इसका लॉजिक आप जानते भी होंगे, जब भी स्टेट चेंज हो रही है यानी कि टेम्परेचर ज़रा भी इंक्रीज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर जब हम जीरो करते हैं स्पेसिफिक हीट वाले फार्मूले में तो वो इन्फिनिटी लेकर आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है नियत, आई थिंक इट इज़ एडियाबेटिक दे आर आस्किंग, उसमें कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो एडियाबेटिक में आई थिंक प्रेशर होता है, आप देख के बताइएगा। 63rd, देखिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको करना है, मैं जस्ट सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दैट एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट एंड इट इज़ क्लियरली टेल बाई मी दैट दिस इज द आंसर एंड इवन इफ द आंसर इज नॉट कमिंग देन यू आर रॉन्ग, देन यू नीड टू गो टू द सोल्यूशन एंड इफ आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज एंड यू आर टू देन यू हैव टू गूगल इट और सर्च इट फ्रॉम एनी वेयर। 63, समान विमाओं वाली 3 छड़े जिनकी ऊष्मीय चालकता 3K, 2K तथा K चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, इनके सिरे दिस टेम्परेचर पर हैं, तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? अगर हीट कंडक्टिविटी 3K, 2K एंड K है तो इनके जंक्शन पे जो टॉप टेम्परेचर है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 70। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी में जलधारा का वेग होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? सभी जगह समान होगा कि मध्य में ज़्यादा होगा किनारों पर कम होगा, या मध्य में कम किनारों पर ज़्यादा होगा, या किनारे से दूसरे किनारे पर है? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, शायद मध्य में ज़्यादा होता है, उसके बाद किनारों में कम होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें विस्कोसिटी का रूल लगेगा, जितनी लेयर ज़्यादा उतना फोर्स अपोजिशन वाला कम। अगला क्वेश्चन हमारा एक केस नली की त्रिज्या ये है, एक द्रव जिसका भार 6.28 × 10⁻⁴ न्यूटन है केस नली में स्थिर रह सकता है, द्रव का पृष्ठ तनाव है। इफ ए कैपिलरी ऑफ रेडियस 2 × 10⁻³ मीटर कैन होल्ड लिक्विड ऑफ वेट 6.28 × 10⁻⁴ न्यूटन, देन व्हाट इज द सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन का फार्मूला आप समझते हैं, जब भी कभी कैपिलरी की बात आती है तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, 5 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर मीटर आंसर इज राइट। 67th क्वेश्चन हमारा, यदि किसी बेलनाकार तार की लंबाई 100% बढ़ा दें तो परिणाम स्वरूप इसका व्यास घट ही जाएगा, सही बात, तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा? इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज 100% इंक्रीज एंड देन ऑब्वियसली इट्स डायमीटर विल डिक्रीज, देन व्हाट इज द चेंज इन द प्रतिरोध, रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा? तो इसका 300% सही होगा। गैस के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है, तो सिंपली गैस के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है, दोनों बायल सेल सबका लागू होता है इसके ऊपर, सी ऑप्शन। 69th है, एक ठोस गोले यानी सॉलिड स्फीयर ए तथा एक अन्य खोखले स्फीयर हॉलो स्फीयर बी के मास यानी द्रव्यमान तथा बाह्य त्रिज्या समान है, एक्सटर्नल रेडियस आर इक्वल, उनके व्यास के पारिता जड़त आघूर एल ए तथा एल बी इस प्रकार है कि, तो उनके डायमीटर के अलॉन्ग, एक्चुअली इनके डायमीटर के अलॉन्ग शायद होता ही सिर्फ और इसके अलावा कुछ देखते हैं इसमें, अगर हैं तो इनमें कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा? तो इसका आई थिंक बी ऑप्शन सही है। 70, एक कार्नो इंजन परम ताप टी यानी कि रिजर्वायर यानी कि जो हाइस्ट टेम्परेचर पर होता है वो टी पे है, वहाँ से ये क्यू ऊष्मा लेता है और परम ताप T/3 पर सिंक को यानी जो कूल होता है ऊष्मा छोड़ता है, T/3 पर सिंक को ऊष्मा छोड़ता है, तो सिंक को एक कितनी ऊष्मा छोड़ेगा? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है कार्नोट इंजन का तो आप जरूर लगा देंगे, उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्थिर
दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर द, यानी कि एक्चुअली ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एक परमाणु यानी फॉर मोनोटॉमिक गैस पूछ रहे हैं। तो अगर वह सी बी पूछते 3/2 आ रहा था, सी पी पूछ रहे हैं तो शायद 5/2 आ रहा होगा। 72th क्वेश्चन हमारा है, अगर एम मास के किसी कण का पलायन वेग समानुपाती है, अगर किसी चीज़ का मास स्मॉल एम है तो अगर उसकी हम एस्केप वेलोसिटी निकाले तो वो मास की किस पावर के समानांतर है, तो इसका आंसर है सी। यदि एक ही पदार्थ तथा समान द्रव का गोला घन तथा पतली वृत्ताकार प्लेट को समान ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, सबसे पहले ठंडा कौन होगा? ठंडे का ऐसा रहता है कि ठंडा यानी कि dQ/dt लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया बाई वैल्यूम और वैल्यूम बाई एरिया समथिंग लाइक दैट। तो इसमें जब हम निकालते हैं तो हमारी जो प्लेट होती है उसका सबसे कम आता है वैल्यूम शायद, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ हीट होगा, सबसे पहले ठंडा हमारा हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट। 74th क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रिक प्लेट वैद्युत पतीली को 220 वोल्ट पर 4 एम्पियर की धारा देती है, एट 220 वोल्ट 4 एम्पियर करंट इज प्रोवाइडेड। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप से 1 किलोग्राम जल को उबलने में कितना समय लगेगा यदि उबलते जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब आप जरा सा भी दिमाग लगा लीजिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसके ऑप्शन 12.6 मिनट, 4.2 मिनट एंड 6.3, 8.4। आई थिंक इट्स 8.4 इज द राइट आंसर। सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉडल पेपर एंड विच इज, एक गतिपालक चक्र किसी स्थिर अक्ष के पारिता घूर्ण कर रहा है जब इसकी कोणीय चाल 30 रेडियन पर सेकंड हो, तब गतिक ऊर्जा 30 सिंग सर जूल है, तो पहिए का घूर्णन अक्ष के पारिता जड़ का घूर्ण है। इफ अ व्हील इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस एंड इट्स ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 30 रेडियन पर सेकेंड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी 360 जूल, देन व्हाट इज द आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो 0.8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। सो एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है। सबसे पहले धन्यवाद आपको जो आपने आखिरी तक देखा, और एक्चुअली धन्यवाद मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी कम व्यूज आ रहे हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो फायदा आप ही का है ना। और एक बोनस क्वेश्चन आपका ये है कि आप बताइए करंट डेंसिटी इज स्केलर और वेक्टर, एंड इफ इट इज नॉट, बस दिस इज ओनली क्वेश्चन, इज इट स्केलर और वेक्टर जे करंट डेंसिटी, तो आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो शायद इतना ही है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए वीडियो को शेयर करें जिससे लोग इसको और लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फैमिली थोड़ा इंक्रीज हो। तो गाइस धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। देखिए डेफिनेटली मेरे पास 2 मॉडल पेपर हैं, और नॉट ओनली फिजिक्स, इंग्लिश, आप अगर जनरल नॉलेज की बात करें यानी रीजनिंग वाले जो पोर्शन नेवी में आते हैं अलग से, और मैथमेटिक्स, सबके हमारे पास सैंपल पेपर रखे हुए हैं। तो आप अगर कहें तो मैं 15 तारीख से पहले आपको सब प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा जिससे इसमें व्यूज़ तो आए भाई, 30-40 व्यूज़ के लिए मैं वीडियोज़ बना नहीं रहा हूँ। तो होप यू पीपल विल लाइक इट, इफ यू रियली एंजॉय द पेपर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट द पीपल नो अबाउट अस। थैंक यू वेरी मच गाइस।